तुम कैसे उसके लिए 4 साल तक इंतजार करने का फैसला कर सकते हो? पागलपन है तुम्हारा ये? मैं पागलपन नहीं है, मेरी कमिटमेंट है। कमिटमेंट नहीं है, बेवकूफी है। अगर इस बीच उसका शौहर आ गया तो तुम क्या करोगे? उसने तुम्हारे अलावा सलमान का नाम भी लिया है, वो उसके हक में भी फैसला दे सकती। और तुम क्या समझते हो हम तुम्हें 4 साल तक इंतजार करने देंगे? हम लोग भी परेशान हैं तुम्हारी शादी की तरफ से। तुम हमारे ख्वाबों को मलियामेट नहीं कर सकते। सो मामा, आप लोगों के ख्वाबों के लिए मैं अपनी फीलिंग्स को नहीं मार सकता। शादी मुझे करनी है, जिंदगी मुझे गुजारनी है, और वो किसके साथ गुजारनी है इसे पसंद करने का मुझे पूरा हक हासिल है। कैसा रोग लग गया है इसको बाबा, आप क्यों नहीं समझाते हैं इसे? ये रोग तो मुझे अब लग चुका है। अब अगर आप लोग मुझे समझाने की कोशिश भी करेंगे तो खत्म नहीं होगा, क्योंकि मेरे बस में नहीं है। हो तो सकता है अगर तुम दिल के अलावा दिमाग से भी सोचना शुरू कर दो तो ये सब कुछ तुम्हारे बस में हो सकता। काश मोहब्बत करते वक्त इंसान अपने जज्बात पे भी काबू रख सकता, लेकिन ऐसा नहीं होता था, क्योंकि दिमाग का नहीं दिल का मामला है, और दिल कभी जज्बात से खाली नहीं हो सकता। तो हमें जीते जी मार रहे हो जो, तब क्या उस बेवकूफ के साथ, उस बेवकूफ के साथ मुझे भी 4 साल तक एक एक लम्हा गिन गिन कर गुजारना पड़ेगा? देखो बेटा, अगर तुम्हारी यही जिद है तो ठीक, हम क्या कर सकते हैं, मगर एक बात का ख्याल रखो, अब के बाद तुम कभी उसे उसके शौहर से तलाक लेने के लिए नहीं कहोगे, ठीक? सारे फैसले ऊपर वाले पर छोड़ दो।